इदं शिवं वन्दे ॐ नमः शिवाय ॐ तत्पुरुषाय विद्महे किसी हिंदू की जमीन हमारी रणनीति क्या होगी इसका फैसला हम सब लोग बैठकर पंचायत में कर लेंगे। FIR दर्ज करानी होगी। देखिए किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। FIR दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, खून का बदला खून से लिया जाएगा। देखिए जो हुआ बुरा हुआ, हमें आप लोगों के साथ सहानुभूति है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। चौधरी साहब आप समझाइए इन लोगों को। चौधरी साहब खामोश है लेकिन हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमारा बेटा गया है। जैनब से मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बाप का अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन ऐसे नापाक इरादे वाले लोगों को ये पाक रिश्ते समझ में नहीं आते। हम यहाँ कुछ समझने समझाने नहीं आए हैं। आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना चौधरी साहब के सम्मान के साथ कोई नहीं खेलेगा। कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है? हम तो यहाँ हाथ जोड़ अछूत लोग आ गए, ज़ैनब को लेकर जाओ। आगे बढ़ेगा नहीं, ये तुम लोग क्या करने जा रहे हो? इन्होंने हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। जिन्होंने तुम्हें धर्म का मतलब सिखाया आज तुम उन्हें धर्म समझाने जा रहे हो। इन्हें मतलब को मनोज निकालने दो, इनको इनके मन की भड़ास। ये लोग गलत नहीं है, इनकी स्वार्थी सोच गलत है जिसे धर्म के नाम पर इन पर थोपा गया है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, उसने सिर्फ इंसान बनाया। दुनिया के सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, और इंसानियत की रक्षा करते हुए यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाना तो मुझे परवाह नहीं है। मारना चाहते हो मुझे, लाप मारो। यदि मुझे मारकर तुम्हारे धर्म की रक्षा करती है तो करो। अभी तक मैं ज़ैनब की रक्षा कर रहा था, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा भगवान उसकी रक्षा करेगा। वही भगवान जिसके ऊपर तुम लोगों को आस्था है।